इतनी देर सोने से तुम स्लीपिंग ब्यूटी नहीं बन जाओगी। उठो, छुट्टी का मतलब ये तो नहीं कि दिन भर सोते रहो। देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा है, हवा भी बहुत मस्त चल रही है। जल्दी से उठ जाओ और नहा धो के तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ, फिर कहीं घूमने चलेंगे। हाँ, मुझे छुट्टी के दिन में कहीं नहीं जाना है। टेल मी, आर यू ओके? आई एम परफेक्टली ऑलराइट, आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये कुछ अच्छी खबर अच्छे दिन की शुरुआत के लिए। बातें बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आ रहे हैं। अरे छोड़िए, काम करने दीजिए। फोन बज रहा है, बजने दो। देखिए तो किसका चाहिए ना। हेलो, सूर्यदेव स्पीकिंग। हाँ पॉप, मुझे मालूम है कि आप ही बोल रहे हैं। बता यार क्या खबर है? ये क्या, ना कोई हेलो हाय ना कोई गुड मॉर्निंग, सीधा खबर पूछ रहा है। एनीवेज, खबर बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था पॉप। आखिरकार चांदनी ने वही किया जिसका मुझे अंदाजा था। ना 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 ना, ना। ऐसा नहीं हो सकता, चांदनी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही हुआ है? और ये क्या आप नाला क्यों कर रहे हैं? चांदनी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? चांदनी शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कह सकती, बताइए बताइए। चुप 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 कर, चुप कर। अरे ये बात अच्छी तरह हजम तो करने दे। चांदनी शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर सकती, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चांदनी शादी करने के लिए तैयार है। अरे अरे वाह, खुश गीता पुत्र। आदाब अमीना भी, आज सुबह सुबह तशरीफ कैसे ले आई? अरे आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ, आइए आइए। अरे खबर आपके लिए अच्छी है या हमारे लिए? आप भी बस यूं ही मखौल करती हैं। अरे अगर ये खुशखबरी आपके लिए नहीं होती तो भला सुबह सुबह मैं आपके घर क्यों आती? अरे मैं अमन के लिए एक माकूल लड़की का रिश्ता लेके आई हूँ। पढ़ी लिखी है, खानदानी है और खूबसूरत भी है। क्या हुआ फरीदापा, क्या सोचने लगी? अरे मैं तो कहती हूँ इतनी अच्छी लड़की फिर से नहीं मिलेगी। अब आप जल्दी से हाँ कह दीजिए ताकि मैं बात आगे बढ़ाऊं। आमना भी, हाँ तो हमारी तरफ से है, लेकिन सिर्फ उस लड़की के लिए जिसे हमारे अमन ने पसंद किया है। अरे भाई, अब अमन को कौन सी लड़की मिल गई परदेश में जो हमारी जात बिरादरी की हो? मैंने आपसे कहा ना उसे लड़की पसंद आ गई है, ये देखिए उसकी तस्वीर। अच्छी सूरत से क्या होता है, अच्छी सूरत वाले ही अक्सर धोखा देते हैं। आखिर में तो सीरत ही काम आती है। अमीना बी, आपको मेरी भाभी की सीरत पर शक शुबा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी भाभी तो बेमिसाल होगी। और वैसे भी मुझे मेरे अमन भाईजान की पसंद पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तुम जानो और तुम्हारा वो अमन भाईजान, मैं चल। अल्लाह हाफिज अमीना। अल्लाह हाफिज। फिर आइएगा। अरे मैं तो तुम लोगों की भलाई के लिए कह रही थी। अम्मी, इन्हें हमारे भलाई की कुछ नहीं पड़ी है, ये तो जल बुन के हमारी हिमायत कर रही थी। अरे मैं सब समझती हूँ बेटे, लेकिन तुम इन सब बातों की परवाह मत करो, तुम जाकर कल की तैयारी करो, तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। Hey Michelle, what's this?
I'm leaving. हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है लेकिन कहाँ जा रही हो? मैं कैलिफोर्निया वापस जा रही हूँ. कैलिफोर्निया कब? Everything all right? ये सब कुछ इतना sudden? डैड ने मुझे बुलाया इसलिए मैं जा रही हूँ. ओह तो तुम्हारा तुम्हारे पॉप के साथ फाइनली पैचअप हो गया हाँ? हाँ उन्होंने फोन किया नहीं सर ये सॉरी और उन्होंने मुझे बिजनेस ज्वाइन करने के लिए बुलाया. ओह दैट्स ग्रेट यार गुड न्यूज़. शेल आई मिस यू. आई मीन वो तुम्हारी कॉन्वर्जेशन तुम्हारा मेडिटेशन करना वो तुम्हारी तुम्हारी नई नई चीज़ों को लर्न करने का पैशन. आई रियली मिस ऑल दैट. डोंट वरी मैं लॉन्ग टर्म अमेरिका में नहीं रहूँगी. वैसे भी मुझे इंडिया आना है. मुझे वेदा स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन सब तो सीखना है. हे मिस 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 इंडिया भी होकस पोकस कंट्री नहीं रहा. ओके इवन इंडिया इज अ मॉडर्न कंट्री फाइन. हाँ लेकिन मेरा इंटरेस्ट भी इन्हीं चीज़ों में है. एंड यू मी आई एम नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. मेरी आंखों से देखो. तुम्हारी आंखों से आई मीन ओके तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी तुम्हारी नजर से देख. फाइन क्या दिख रहा है तुम्हारी नजर में? यू आर स्पेशल. लिसन वेट हे मिशेल 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 लिसन वेट 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 मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता. नो मैं अकेला जाऊंगा. आई हेट गुडबाइज मिशेल बट लिसन आई विल ड्रॉप यू टू द एयरपोर्ट. व्हाई व्हाई डू यू वांट टू कैच मिशेल. ओके लिसन बाय आई विल मिस यू मिशेल. हे रियली मिस यू. गायत्री जी जल्दी से खाना दे दो. आज बहुत काम है. लंच के लिए आना नहीं हो पाएगा. बस दो मिनट में तैयार हो जाए. भाभी भाभी खाना मुझे भी चाहिए. मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है. भाई साहब आप अच्छा हुआ आप आ गए. मैं बीजी को खबर कर देती हूँ. वक्त से पहले ही आ गए. चांदनी की शादी तय हुई है. शादी की तारीख नहीं. तो भाई साहब आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? अब मैं आ गया हूं ना तो शादी की तारीख भी तय हो जाएगी. आप तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि लड़का है कौन और ये रिश्ता तय कैसे. अरे बद्री रब तो ना लंबी उम्र दे सेहत दे. अच्छा कह तू आ गया. एक से दो भले. बीजी हाँ केदार भाई साहब को मैं यही तो कह रहा हूँ कि लड़का है कौन. अच्छा आप मुझे बताइए आपने लड़का ठीक तरह से देखभाल लिया है ना? अरे केदार के कॉलेज के दोस्त सूर्यदेव का पुत्र है. खानदान भी देखा भला है. ये सब बताने की जरूरत है क्या? क्यों लड़के में कोई खराबी है क्या बीजी? नहीं नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं. तब फिर क्या ये रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है क्या? या लव मैरिज होने जा रही है? मैंने कहा ना भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं. बीजी लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है क्या? हाँ जो आपको सब कुछ ठीक तरह से बताने से मना किया जा रहा हो. अरे नहीं ये सब कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें और ये सब बातें उछालने की भी जरूरत नहीं है. और एक बात सुन लो मैं इतना लाचार नहीं हूँ कि बिना सोचे समझे अपनी बेटी का हक किसी दूसरी बिरादरी में दे दूँ. जिससे चांदनी की शादी हो रही है वो हमारी जात का है और हमारी बिरादरी का भी. ठीक है राजेश से बात कर सकता हूँ? मैं उसका डैडी बोल रहा हूँ. तो ठीक है और डरता कौन है तेरे से? अभी निकालता हूँ तेरी फूक. सर आपके घर से फोन है. ओके मैं अभी आया. और सुन तू यहाँ से भागना मत. नहीं भागता और यहीं पर तेरा इंतजार करूंगा. जा फोन सुन क्या. हेलो राजेश बेटा. हेलो पापा कैसे आप? सब ठीक तो है जो आपने इतनी रात को फोन किया? हाँ सब ठीक है. क्या हाँ सब ठीक है. मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए फोन किया है कि
यहाँ पर चांदनी की शादी की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। तुम घर चले आओ। पापा, that's a great news. लेकिन की शादी की तारीख तय हो गई है क्या? वो भी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से घर आ जाओ और तैयारियां करवाने में मदद करो। पापा, I think that's impossible. डिफिकल्ट है, नामुमकिन तो नहीं है ना? नामुमकिन ही समझिए पापा। आपको तो पता ही है कि मुझे मेरी छुट्टी के बीच में से बुलवा लिया गया था, क्योंकि यहाँ बॉर्डर पे बहुत टेंशन चल रही है। बहुत बड़ी तादाद में बॉर्डर के पार से पाकिस्तानी आर्मी हमारे यहाँ मिलिटेंट को इन्फिल्ट्रेट कर रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है पापा। बेटे, वहाँ और लोग भी तो होंगे ना, वो संभालेंगे। तुम घर चले आओ। पापा, मैंने आपसे कहा ना, जैसे ही टेंशन ईज आउट होता है मैं छुट्टी लेके फौरन वहां पर आ जाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। इन बेबुनियाद वादों की बात मुझसे मत करो। मुझे तुम्हारे इन वादों पर कोई भरोसा नहीं है। मैं तो समझता था कि तुम्हारे मतभेद सिर्फ अपने बाप से हैं, लेकिन लगता है तुम्हें अपनी बहन की भावनाओं का भी कोई ख्याल नहीं है। तुम सिर्फ एक बागी बेटे ही नहीं, एक गैर जिम्मेदार भाई भी हो। पापा, आप बेवजह इस बात को बढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर तुम्हें आना है तो आओ अभी, वरना शादी में भी आने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेगम, मैं जा रहा हूं। एक मिनट ठहरिए, जरा बात कर लीजिए फिर जाइए। किसका फोन आया है? आया नहीं है, मैंने लगाया है अमन को। अरे ये कोई वक्त है? मुझे जाने में देर हो रही है। अरे मैं कल रात से बेचैन हूँ। देखिए घंटी बजी, पहले आप बात कीजिए फिर जाइए। हेलो अमन बेटा। नहीं अंकल, मैं महेश बोल रहा हूँ। अमन जरा बाहर गए, कोई जरूरी काम था? नहीं महेश बेटा, कोई खास बात नहीं थी। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। आप कैसे हैं? हम सब ठीक हैं, शुक्रिया। बेटा एक बात बताओ, इस चांदनी के बारे में तुम जानते हो? कल वो क्या है कि? बेटा मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कितना जानते हो, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत भी अगर जानते हो तो हमें बताओ। जी जी हाँ। अरे घबराओ मत, चांदनी हम सबको बहुत पसंद है। हम तो थोड़ा उसके बारे में जानना चाहते हैं ताकि बात आगे बढ़ा सकें। तुम समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? जी हाँ जी हाँ। ये चांदनी रहती कहाँ है? यहीं यहीं कुआला लंपुर में। ओहो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। पाकिस्तान में उसका घर कहाँ है? पाकिस्तान में शायद लाहौर में। लाहौर में? लाहौर में कहाँ पर? नहीं नहीं, लाहौर में नहीं, शायद कराची में। नहीं कराची में नहीं है, शायद रावलपिंडी में। ये कैसी बात कर रहे हो महेश, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? वो अंकल क्या है मुझे ठीक से पता है नहीं, कभी पूछने की जरूरत पड़ी नहीं ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। इसके बारे में मैं अमन से जानकारी ले लूंगा। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अमन? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ यार, पर मैं क्या करूं? इवन आई एम हेल्पलेस, आई एम सॉरी। लेह लद्दाख सेक्टर में बॉर्डर के पास पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठिए और इंडियन आर्मी के बीच में पिछले 24 घंटे से लगातार गोलीबारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस फायरिंग में 5 घुसपैठिए मारे जा चुके हैं और बाकियों को ग्रास में तैनात हमारी आर्मी के दस्ते ने पूरी तरह से खदेड़ दिया है। आइए और खबरों के लिए चलते हैं जेकब सेक्टर 9 की तरफ। अरे क्या कुछ बना है, मुझे खबरें देखनी है, पता करना बॉर्डर पर क्या हो रहा है। ये सब फालतू बातें देखने की आपको जरूरत नहीं है। खबरें सुनो तो फालतू समझता है? तो और क्या, सब बकवास नहीं है तो और क्या है? और फिर आपको खबरें नहीं सुननी, आपको सिर्फ ये देखना है कि शायद यहाँ से राजेश के बारे में कुछ पता चल जाए। हाँ हाँ पता करना है,
तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी क्या प्रॉब्लम है? हैं? पहले राजेश को फौज में भेज दिया, अब उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं? प्रॉब्लम मेरी नहीं, आपकी है। क्या हो गया आपको? अपने बेटे के बारे में ऐसी अशुभ बातें आप कैसे कर सकते हैं? उसके बारे में बातें तो क्या, मैं कहता हूँ आज से उसका नाम भी इस घर में कोई नहीं लेगा। हेलो, हेलो, चांदनी, चांदनी, इज दैट यू? चांदनी कुछ बोलती क्यों नहीं? चांदनी बोल रही हूँ। I miss you a lot and I really love you। मैं एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। Hi, I love you too, चांदनी। अरे जितनी तुम बेताब हो उससे ज्यादा तो मैं impatient हूँ। जी करता अभी तुम्हारे पास आ जाओ, लेकिन लेकिन रात बहुत हो गई, तुम अब सो जाओ। हालांकि अपने दिए हुए वादे को निभाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी बेताबी को देखकर अपने वाले रेस्टोरेंट के खुलते ठीक सुबह 10 बजे। ओके, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।